Assalamualaikum, dear students. आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेप्स ऑन द बेसिस स्केल. टाइप्स ऑफ मैप्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स. मैप्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट क्राइटेरियाज. डॉम्पलिफ क्राइटेरियाज की बुनियाद पर हम नक्शों की एकसाम बयान करते हैं. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, यानी कि स्केल्स की बुनियाद पर नक्शों की टाइप्स बयान की जाती हैं. और दूसरा है ऑन द बेस ऑफ पर्पस, यानी पर्पस या मकसद की बुनियाद पर नक्शों की इकसाम बयान की जाती हैं. जब हम ऑन द बेस ऑफ स्केल टाइप्स ऑफ मैप्स बयान करते हैं तो हम उसमें उनको क्लासीफाई करते हैं जनरली लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स. जबकि ऑन द बेस ऑफ पर्पस अगर हम डिवाइड करें मैप्स को तो वो हैं जनरल पर्पस मैप हैं स्पेशल पर्पस मैप्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल हम बयान करेंगे लार्ज स्केल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैप्स ऑन द बेस ऑफ स्केल. स्केल और एरिया में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जब हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप, इसका मतलब है वो लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरिया को शो करेगा विद ग्रेट डिटेल्स. और जब हम स्मॉल स्केल मैप को बयान करते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को शो करेगा विद लेस डिटेल्स. लार्ज स्केल मैप्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, जिसको हम कैडेस्ट्रल मैप्स कहते हैं और टोपोग्राफिक मैप्स कहते हैं. कैडेस्ट्रल मैप्स, टर्म कैडेस्ट्रल जो है डिराइव की गई फ्रेंच वर्ड कैडेस्टर से, जिसकी मीनिंग है रजिस्टर ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी. तो इन ये जो मैप्स हैं कैडेस्ट्रल मैप्स, इनमें बाउंड्रीज लैंडेड प्रॉपर्टीज की बाउंड्रीज जो है मार्क की जाती हैं, यानी कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लैंड की इसके ऊपर और उसकी जो मालिक हैं प्रॉपर्टी के उस जो मालिक हैं उनकी डिटेल्स गिवन होती है इन मैप्स में. दे आर प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड आर यूज फॉर द रेवेन्यू पर्पस. इसलिए ऐसे ही जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ये बनाती हैं और इसको यूज़ किया जाता है रेवेन्यू पर्पस, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. यानी कि इसकी बुनियाद पर वो जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है वो इन कैडेस्ट्रल मैप्स की बुनियाद पर किया जाता है. तो कैडेस्ट्रल मैप गवर्नमेंट एजेंसीज तैयार करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. तो सिंपली हम कह सकते हैं हमारे मुल्क में जो पटवारी सिस्टम है और पटवारियों के जो मैप होते हैं वो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, जिसमें उनके पास कंप्लीट लैंड प्रॉपर्टी की डिटेल होती है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कमर्शियल लैंड किसके पास कितनी है, रेजिडेंशियल लैंड किसके पास कितनी है, एग्रीकल्चरल लैंड किसके पास कितनी है, ये कैडेस्ट्रल मैप में इसकी डिटेल होती है. और ये आमतौर पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की किसी भी मुल्क में वो इसको तैयार करती हैं लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. तो कैडेस्ट्रल मैप की शक्ल अगर हम देखें तो वो इस तरीके से होती है. जो लार्ज स्केल मैप होता है वो इसके ऊपर स्मॉल एरिया गिवन होता है और वो स्मॉल एरिया विद ग्रेट डिटेल होता है, जिसके ऊपर एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है, एवरी सिंगल प्रॉपर्टी इसके ऊपर मेंशन होती है, हर प्लॉट इसके ऊपर मेंशन होता है. प्लॉट की टाइप हो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो उसके ऊपर मेंशन होता है. उसके कौन मालिक है ये भी उसके ऊपर गिवन होता है. तो इस तरीके से कैडेस्ट्रल मैप की शक्ल इस तरीके से होती है, जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है उस लैंड की और उसके जो मालिक होते हैं उनकी भी डिटेल गिवन होती है.
यह एक रेस्टल मैप की शक्ल में होता है। इसमें भी आपको नजर आएगी हर प्लॉट जो है उसमें मेंशन है और उसकी डिमार्केशन की हुई है, उसकी हदबंदी की हुई है, उसकी नंबरिंग की हुई है और उसका उनके पास जो मालिक होगा उसकी भी रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन। इसी बुनियाद के ऊपर वो प्रॉपर्टी टैक्स है या एग्रीकल्चर लैंड पे जो टैक्स है इसी बुनियाद के ऊपर, इन्हीं मैप्स की बुनियाद के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफिक मैप के ऊपर किसी भी एरिया की कंप्लीट नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को शो किया जाता है। इस लिहाज से इसके बहुत से इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर्पज में इसका यूज होता है। और ये भी आमतौर पर जो सरकारी जो नेशनल एजेंसी होती है, मैपिंग एजेंसी, वो प्रिपेयर करती है। और पाकिस्तान में सर्वे ऑफ पाकिस्तान टोपोग्राफिक मैप पाकिस्तान के तैयार करता है। और इन मैप्स के ऊपर लैंड फॉर्म्स और टेरेंस, ड्रेनेज पैटर्न, रिवर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट कवर, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, पॉपुलेटेड एरिया, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मैंशन की जाती हैं। टोपोग्राफिक मैप्स की शक्ल इस तरीके से होती है, जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल उस एरिया की शो की जाती है। उसके नेचुरल फीचर्स भी उसके ऊपर शो किए जाते हैं, उसके मैन मेड फीचर्स भी उसके ऊपर शो किए जाते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर कंटूर लाइंस भी ड्रा की जाती हैं। कंटूर लाइंस उस एरिया की हाइट फ्रॉम सी लेवल शो कर रही होती हैं। ब्राउन कलर की लाइंस जो इसके ऊपर ड्रा की जाती हैं वो टोपोग्राफिक लाइंस, कंटूर लाइंस कहलाती हैं, जो उस एरिया की हाइट बयान कर रही होती हैं। इसके बाद स्मॉल स्केल मैप्स हैं। स्मॉल स्केल मैप्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है वॉल मैप्स में और एटलस मैप्स में। वॉल मैप्स आमतौर पर बड़े बड़े चार्ट्स या बोर्ड्स की शक्ल में बनाए जाते हैं, उनको आमतौर पर दीवारों पर लगाने के लिए यूज़ किया जाते हैं, इसमें एकेडमिक पर्पज़ के लिए। वो वर्ल्ड मैप भी हो सकते हैं, कॉन्टीनेंट मैप भी हो सकते हैं, या कंट्री मैप भी हो सकते हैं। और एटलस मैप वो होते हैं कि जो एटलस में आप एटलस में आपको नजर आते हैं। एटलस क्या है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप, या बुक ऑफ मैप्स। एटलस में जो ज़्यादातर मैप होते हैं वो भी स्मॉल स्केल मैप होते हैं, जिसमें छोटे से एरिया के ऊपर, छोटे से पेपर के ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया शो किया जाता है। जैसे वर्ल्ड मैप बनाए जा रहे होते हैं, कंट्री मैप बनाए, या कंटिनेंट्स के मैप बनाए जा रहे होते हैं। ये वॉल मैप की शक्ल इस तरीके से होती है, जिसमें एक वॉल चार्ट की शक्ल में या बोर्ड की शक्ल में ये मैप बनाया जाता है। और इसको आमतौर पर दीवार पर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि एटलस मैप इस तरह ये सब बुक की शक्ल में पब्लिश होते हैं, और इसके ऊपर भी एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक बड़ा एरिया जैसे वर्ल्ड मैप शो किया जाता है। यहाँ पर भी एक एटलस मैप आपको शो किया गया है, जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेट्स को शो किया गया है। ये एक एटलस बुक का मैप है, जिसमें पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड शो किया गया है एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर। लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप को आप इस तरीके से इनके कंपैरिजन दे सकते हैं। राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है वो एक स्मॉल स्केल मैप है, और लेफ्ट साइड पे जो ये एक लार्ज स्केल मैप है। देखिए लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये कैडेस्ट्रल मैप है, और राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये वॉल मैप है। फिर कंसेप्ट ऑफ स्केल को इस स्लाइड में भी आपको शो किया गया है, कि जो पहला मैप आपको नजर आ रहा है ये वर्ल्ड मैप है, जो स्मॉल स्केल मैप है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक रीजन को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को शो कर रहा है। ये उसके मुकाबले में लार्ज स्केल मैप है, और उससे बड़ा जो स्केल पर आप इसको लेकर आए तो आपको एरिया मजीद रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आप स्केल चेंज करते जा रहे हैं, कवर्ड एरिया चेंज होता जा रहा है। पहले मैप पर आप पूरा वर्ल्ड
मैप आपने शो किया स्केल स्मॉल था, फिर जैसे जैसे आपने स्केल लार्ज किया तो एरिया को आपको रिड्यूस करना पड़ा। यहाँ पर भी आपको स्केल का कंपैरिजन शो किया जाता है। फर्स्ट मैप जो है अमेरिका की सिर्फ एक सिटी का वाशिंगटन डीसी का शो कर रहा है, जो कि एक लार्ज स्केल मैप है जिसके ऊपर एक पूरा शहर शो किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने स्केल चेंज किया, स्केल स्मॉल किया, तो एरिया इंक्रीज हो गया और थर्ड मैप में वर्ल्ड मैप है जो कि स्मॉल स्केल, तो मजीद आपने स्मॉल स्केल कर दिया और एरिया आप इसने में आपने पूरी वर्ल्ड को शो कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। शुक्रिया।